हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप सभी को पता है कि नायका पर सेल चल रही थी, नायका हॉट पिंक सेल। एंड आई थिंक आज लास्ट डे है जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, बिकॉज मैंने ही मंगा लिया था प्रोडक्ट, मुझे 2 से 3 दिन पहले रिसीव हो चुके थे, बट मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। सो कोई बात नहीं, आप अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप अपनी कार्ट में सेव कर लीजिए, एंड नेक्स्ट मुझे लगता है कि दुर्गा पूजा पर या दिवाली पर जब सेल आएगी तब आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, बिकॉज सेल टाइम में ना नायका पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। आप अपने फेवरेट मेकअप ब्रांड्स, मेकअप प्रोडक्ट्स को काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पर ग्रैब कर सकते हो। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रोडक्ट मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, विच इज़ निविया का बॉडी लोशन। दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड प्राइस, मुझे जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो मुझे एक्जैक्टली अभी याद नहीं है, तो वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी या फिर आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। करंटली इसमें जो प्राइस लिखा हुआ है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। सो 200 ml का प्रोडक्ट है एंड प्राइस 275 rupees। एंड इसकी क्वालिटी क्या है, गुडनेस, वो मैं बता दूँ आपको। सो ये है निविया का नेचुरल ग्लो इवन टोन बॉडी लोशन विथ यूवी प्रोटेक्शन। सो इवन टोन कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। सो ये विटामिन सी से भरपूर है। विटामिन सी हमारे स्किन के लिए कितनी ज़्यादा अच्छा होती है बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये आपकी स्किन को इवन टोन करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड इसमें यूवी फिल्टर भी है जो कि आपको हार्मफुल सन रेज से बचाती है। तो स्पेशली गर्मियों में जब आप कहीं बाहर जा रहे हो और ऐसा कुछ रिवीलिंग कपड़े पहने हो, यू नो, आपके हैंड्स लेग्स ओपन हैं, तो वहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हो तो एक तो आपकी स्किन को भी इवन टोन करता है, ये चैलेंज करता है कि 2 वीक्स में आपकी स्किन को इवन टोन करेगा। इसके साथ ही साथ इसमें विटामिन सी भी है तो वो भी नरिश करता है आपकी बॉडी को, और साथ ही साथ इसमें यूवी प्रोटेक्शन है, ये आपका एक्सपोजर एरिया है वो हार्मफुल रेज से बचाने में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको मॉइस्चराइज करेगा वो अलग। सो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इस प्रोडक्ट के। एनिविया एक जेन्युइन ब्रांड है तो मुझे इसके प्रोडक्ट एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो आज के हॉल में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे परचेज किए हैं जो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ। स्पेशली आपने देखा होगा मेरे मोस्ट ऑफ द नायका हॉल में मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ उन्हीं को मैं रीपर्चेज करती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स या एक आध प्रोडक्ट्स ही जो मैं न्यूली ट्राई करती हूँ या न्यू वेरियंट्स ट्राई करती हूँ। सो ये निविया के कई सारे मैंने वेरियंट्स ट्राई किए हैं। दिस इज़ अ डिफरेंट वेरियंट, दिस इज़ नेचुरल ग्लो। सो मैंने निविया का वाइटनिंग, वो काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी टाइम तक यूज़ किया था, तो इस बार मैंने सोचा कुछ न्यू वेरियंट्स ट्राई करते हैं। सो दिस इज़ नेचुरल ग्लो। इसी के साथ एक एलोवेरा भी वेरियंट था और बहुत सारे वेरियंट आपको नायका पे मिल जाएंगे। सो दिस इज़ नेचुरल ग्लो। देखते हैं ये 2 वीक्स में स्किन को इवन टोन करता है कि नहीं। वैसे तो निविया के प्रोडक्ट्स एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, वर्थ इट होते एंड इट एक्चुअली वर्क। सो लेट्स सी कि ये प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव है या नहीं। वैसे निविया पे मुझे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। इनकेस आप परचेज करना चाहें तो डेफिनेटली यू कैन चेक इट। नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ ऑल्सो माई फेवरेट ब्रांड फ्रॉम जॉबीज। सो जॉबीज का ये सनस्क्रीन, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं ना अफोर्डेबल रेंज में कोई सनस्क्रीन, तो दिस इज़ जॉबीज सन गार्ड लोशन। 215 rupees इसका MRP प्राइस है। डिस्काउंट पर ये प्रोडक्ट मुझे शायद 180 या 145 के अराउंड ही मुझे मिला ये प्रोडक्ट। तो सनस्क्रीन एक ऐसी इसेंशियल चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमें हमेशा ही रहती है। सो जॉबीज ब्रांड का जो सनस्क्रीन है विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, इसलिए मैं इसको अगेन एंड अगेन परचेज करती हूँ। ओके, इसके बारे में अगर मैं कुछ बताऊँ, सो इट्स 3-in-1 मैट लोशन, पैराबिन फ्री है, SPF 60 PA ट्रिपल प्लस है, साथ ही साथ इसमें UVA UVB प्रोटेक्शन, इवन टोन स्किन एंड मॉइस्चर को बैलेंस करता है। सो ये मॉइस्चराइजर कम सनस्क्रीन है। सो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट अपने फेस पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली मॉर्निंग में जब आप फेस वॉश करके आते हैं। सिंपल आपने इसको अप्लाई कर लिया, आपका काम हो गया, क्योंकि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा साथ ही साथ यूवी प्रोटेक्शन भी देगा। सो दिस इज द सेकेंड रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। सो जो प्रोडक्ट्स मैं आपको पहले दिखा रही हूँ ये सारे मेरे फेवरेट ब्रांड के हैं, एंड इसके बाद हम बढ़ेंगे जो भी मैंने न्यूली प्रोडक्ट मंगाए हैं उसके। द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ एलोवेरा जेल। सो दिस इज़ फ्रॉम फेस शॉप एलोवेरा जेल, जो कि आपने मेरे कई वीडियोज़ में देखा होगा, माई फेवरेट प्रोडक्ट। सो इसको मैं अगेन एंड अगेन रीपर्चेज करती हूँ, एंड सेल टाइम में क्या है कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलता है, इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को दोबारा से रीपर्चेज किया है। दिस इज़ फ्रॉम जेजू एलोवेरा जेल। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है, दिस इज़ ओले नेचुरल ऑरा इंस्टेंट ग्लोइंग रेडियंस क्रीम, साथ ही साथ यूवी प्रोटेक्शन भी देती है आपको। सो आपको एक नेचुरल काइंड ऑफ ग्लोई काइंड ऑफ मेकअप लुक चाहिए तो आप इस क्रीम को ट्राई कर सकते हो ओले की। हालांकि इसमें पैराबिन और केमिकल सब कुछ मिक्स होता है, बट समटाइम्स आपको कभी कभार अप्लाई करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं।
अदरवाइज आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करें, दैट इज़ मोर इफेक्टिव फॉर योर स्किन। बट अगर आप मेकअप लवर हैं, आपको अच्छा लगता है समटाइम्स यू नो ग्लोई काइंड ऑफ मेकअप लुक, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस प्रोडक्ट। एनीवेज, इन सारी प्रोडक्ट के लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो अगर आप इनमें से कुछ भी परचेज करना चाहें तो डेफिनेटली यू कैन चेक इट। दिस इज़ VLCC का फेशियल किट, बिकॉज बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो हम सभी को ज़रूरत होती है स्किन को थोड़ा पॉलिश करने की। सो दिस इज़ अ पॉलिशिंग फेशियल किट। VLCC के प्रोडक्ट मुझे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वर्थ इट होते हैं, प्राइजी भी नहीं होते बहुत ज़्यादा। इसका MRP आई थिंक बहुत ज़्यादा प्राइजी भी नहीं होते, आई थिंक इट्स अंडर 500 रुपीज़। आई डोंट नो एग्जैक्टली मतलब हाउ अमाउंट आई पे फॉर दिस प्रोडक्ट, बिकॉज मुझे एग्जैक्टली याद ही नहीं है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो विच इज़ फेसेस कैनेडा का ये स्प्लैश नेल पेंट लिया है मैंने। मैं भी बहुत कम नेल पेंट ही परचेज करती हूँ, जैसा कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। सो ये प्रोडक्ट मुझे इसलिए पसंद है, दिस इज़ फ्रॉम फेसेस कैनेडा, क्विकली ड्राई हो जाता है। एंड मैंने जो नेल पेंट लगाया है दिस इज़ फ्रॉम सेम ब्रांड बट कलर दूसरा है ये। सो इसका प्रोडक्ट मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो मुझे पसंद आता है ये वाला नेल पेंट, क्योंकि क्विकली ड्राई हो जाता है, बहुत देर तक नेल को ऐसे रखना नहीं पड़ता है। कई बार क्या होता है ना, नेल पेंट लगा के कुछ ऐसा काम करते हैं और हमारा नेल पेंट ख़राब हो जाता है। अब क्या होता है, वो गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो उसको अगेन रिमूव करो और दोबारा से कोट करो। सो एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, स्पेशली जब आपके पास टाइम ना होता। तो उस अकॉर्डिंग मुझे ये नेल पेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्विकली ड्राई हो जाता है, क्विकली ड्राई फॉर्मूला है ये। सो इसीलिए मैंने इसके वेरियंट्स मतलब जो डिफरेंट कलर रेड कलर मैंने इस बार लिया है। एक्चुअली प्राइस तो मुझे इसका याद नहीं है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना पड़ेगा या फिर मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर। एंड आई सिमिलर काइंड ऑफ रेड कलर मैंने यही सोच करके लिया है, बट आई डोंट नो कि कलर इसका क्या, अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया है। तो जब भी मैं ओपन करूँगी या फिर लगाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके का इसका कलर है, बट ये नेल पर कैसा लगेगा, तो ये जब मैं अप्लाई करूँगी देन आप सबके साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते देन प्लीज़ फॉलो मी देयर, बिकॉज वहाँ आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट के क्विक रिव्यू तो ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ वादी हर्बल्स का लिप बाम। सो ये लिप बाम वन ऑफ माई फेवरेट लिप बाम है, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। या तो अगर आपके लिप्स काफ़ी पिगमेंटेड हैं या बहुत ज़्यादा चैपी हो जाते हैं या फिर आप लिपस्टिक लगाते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो आपको वादी हर्बल लिप बाम, वादी हर्बल ब्रांड का जो लिप बाम है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, साथ ही साथ आपके चैपी लिप्स को भी सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज करता है। एंड इसी के साथ साथ आपके पिगमेंटेड लिप्स को भी रिकवर करता है। सो मैंने इसके डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे वेरिएंट्स ट्राई किए हैं। अभी मैं समर्स में मिंट वाला अप्लाई अभी कर ही रही हूँ, एंड दिस इज़ लीची फ्लेवर, तो इस बार मैंने लीची फ्लेवर में मंगाया है। हल्का सा एक यू नो जैसे मिंट वाला मैं यूज़ करती हूँ तो उसमें एक हल्का सा सेंसेशन आता है, कूलिंग इफेक्ट आता है, फ्रूट को मेंशन करके देते हैं तो इसमें एक हल्की सी खुशबू आती है उस प्रोडक्ट उस फ्रूट की। लाइक आप किसी भी डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स वाले वेरिएंट्स को ट्राई करो तो उसमें एक हल्की सी खुशबू रहती है, तो बस इसीलिए मैंने लीची लिप बाम ले लिया। प्राइस सबके एक ही रहते हैं, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं डिफरेंट फ्लेवर और एक अच्छी खुशबू भी मिलेगी मुझे। सो इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट परचेज किया। ये आई थिंक आपको 40 या 52 रुपीज़ में इस तरीके से मिल जाता है। ओके, द नेक्स्ट मैंने खरीदा है ये सिंदूर, इट्स अ लिक्विड सिंदूर फ्रॉम ब्लू हेवन। सो बस सिंदूर यू नो समर्स में आपके जो सिंदूर बहुत ज़्यादा स्वेट हो जाते हैं पूरा यू नो, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप लिक्विड सिंदूर अप्लाई करते हो, दिस इज़ अ रेड कलर, तो वो स्मज नहीं होता है, फैलता नहीं है। सो गाइस, तो इसीलिए मैंने ये लिक्विड सिंदूर परचेज किया है, बिकॉज समर्स में आपके जो पाउडर वाले सिंदूर होते हैं वो थोड़े से स्मज हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग दिस इज़ परफेक्ट, दैट्स वाई आई परचेज दिस प्रोडक्ट। ओके, दीज ऑल आर माई री परचेज प्रोडक्ट्स जो कि मैं अगेन एंड अगेन परचेज करती हूँ। और अब बढ़ते हैं उन प्रोडक्ट्स की जो मैंने न्यूली परचेज किए हैं। ओके, द फर्स्ट प्रोडक्ट दिस इज़ फ्रॉम खादी इसेंशियल ब्रांड का ओनियन हेयर ऑयल। प्राइस की मैं बात करूँ तो 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ मिलती है, एंड प्राइस इसमें मेंशन है 600 रुपीज़, यानी कि 599। बट मैंने इसको अमेजोन पे चेक किया था तो वहाँ मुझे ये 400 में मिल रहा था। एंड आई परचेज दिस फ्रॉम नायका एंड अमेजोन, आप दोनों जगह चेक कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको अच्छी डील मिले वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। सो ये हेयर ऑयल, बिकॉज मानसून सीज़न है और मानसून सीज़न में हमें हेयर फॉल होता ही होता है, इसलिए मैंने पहले से ही सोचा कि प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर दूँ। सो ओनियन रेंज का जो हेयर ऑयल है ये आपके बालों को रीग्रोथ करने में भी इफेक्टिव होता है, साथ साथ हेयर फॉल को रोकने में भी इफेक्टिव होता है।
सो दैट्स वाई आई परचेज दिस प्रोडक्ट एंड आई डिडन्ट परचेज इन हॉट पिंक सेल. इसके पहले ही मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया था. आई थिंक मैंने 2 से 3 बार इस प्रोडक्ट को यूज़ भी कर लिया है. एक स्मेल आती है इसमें, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ, क्योंकि मैं इसको ओवरनाइट अप्लाई करके सोती हूँ, तो एक बहुत ही वियर्ड सी स्मेल आती है जो कि ओनियन की स्मेल होती है. बट फिर भी लगता है कि चलो ओवरनाइट सोना है तो कवर करके किसी भी तरीके से सो जाओ, मॉर्निंग तक की बात है. लेकिन अगर हम ओनियन पेस्ट घर पर बना करके अप्लाई करें, दिस इज मोर डिफिकल्ट, उसकी स्मेल को बेयर करना, इतनी देर तक रखना. सो उस अकॉर्डिंग ये एक रेडीमेड सोल्यूशन है. दिस इज अ पम्प पैकेजिंग लाइक दिस. तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट में हेयर ऑयल नहीं निकलता है, आपको जब आप प्रेस करेंगे तभी निकलेगा, और आपको अपने स्कैल्प में प्रॉपरली अच्छे तरीके से मसाज करना होता है. और ये काफ़ी टाइम तक चलने वाला है, बट इसमें एक स्मेल है. अभी मैंने ओपन किया तो एक स्मेल इसकी फैल गई, सो स्मेल ही है थोड़ा सा. तो अगर आपको प्रॉब्लम है स्मेल से तो डेफिनेटली यू कैन स्किप दिस प्रोडक्ट. द नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, विच इज मार्स मेकअप का, मैंने ये लिपस्टिक परचेज किया है. दिस इज क्रेयॉन लिपस्टिक. दिस इज काइंड ऑफ शेड. सो ये वाली शेड है इसकी, प्यारी सी शेड है, बट इट्स नॉट ट्रांसफर प्रूफ, तो ये मैं क्लियरली मेंशन कर दूँ, बट बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है. ओके गाइस, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है, विच इज़ मिस क्लेयर की ये वाटर प्रूफ लिप लाइनर. दिस इज़ रेड आई थिंक ब्रिक काइंड ऑफ शेड. सो मुझे एक वाटर प्रूफ लिप लाइनर चाहिए था, बिकॉज जब भी हम हॉलीडेज वगैरह पर जाते हैं तो वहाँ पर आपका लिपस्टिक भले ही यू नो छूट जाए, बट अगर आपने वाटर प्रूफ लिप लाइनर अप्लाई किया हुआ है सो वो एक लिप्स यू नो लिपस्टिक का लुक देता है, तो आपकी पिक्चर्स वगैरह अच्छी आती है और आपका मेकअप लुक इनकम्प्लीट सा नहीं लगता है. एंड इसके पहले मैंने यूज़ किया था अर्लियर कलर इसेंस की रेड ब्रिक शेड थी, वो भी बहुत टाइम तक मैंने उसको यूज़ किया, बट वो एक्चुअली ख़त्म हो गई थी, तो मुझे कुछ नया लेना था. तो उसकी कंपैरिजन इस प्रोडक्ट का प्राइस काफ़ी कम था, इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया इस प्रोडक्ट में. इनको बहुत ही संभाल के यूज़ करना होता है, बिकॉज ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं और बहुत ही लिटिल अमाउंट में रहता है, तो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है. आई परचेज दिस प्रोडक्ट नियर अबाउट 130 रुपीज़, और ये वाटर प्रूफ है. रेड काइंड ऑफ इसका भी शेड है लाइक दिस. दैट्स वाई आई परचेज दिस प्रोडक्ट. और अगर आप भी किसी वाटर प्रूफ लिप लाइनर की तलाश में, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल ब्रांड एंड अफोर्डेबल प्राइस, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट. ओके, द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई परचेज, दिस इज नीविया का पाउडर, टेलकम पाउडर है ये. सो बस ऐसे ही, क्योंकि समर सीजन चल रहा है तो ले लिया मैंने. अब बात करते हैं लिपस्टिक की. तो एक मैंने लिपस्टिक परचेज किया, विच इज़ फ्रॉम माई ग्लैम. माई ग्लैम ब्रांड आप अगर नहीं जानते, दिस इज़ फ्रॉम मनीष मल्होत्रा ब्रांड. एंड इसके प्रोडक्ट को आपने बहुत से बार इंस्टाग्राम पे या फिर यू नो गूगल वगैरह पे देखा होगा एडवर्टीजमेंट इसका. आपको एक सर्वे में पार्टिसिपेट करना होगा और आपको ये लिपस्टिक फ्री में मिलेगी, बस शिपिंग चार्जेस देने होंगे. बट मैंने ऑनेस्टली मैंने उस कभी सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया. सो मैंने काफ़ी सुना था इस ब्रांड के बारे में, अक्सर मुझे दिख जाता था. तो जब मैं इस बार परचेज़ करी थी लिपस्टिक पे, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहे थे, तो आई थॉट कि क्यों ना ये वाला ब्रांड ट्राई किया जाए. बिकॉज मैं बहुत सारे लिक्विड लिपस्टिक में ट्राई करती हूँ, बट क्या होता है उसको लगाने के बाद बहुत ड्राई ड्राई से हो जाते हैं, और जब वो ड्राई हो जाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं. इसलिए मैं ना किसी ऐसे लिपस्टिक की तलाश में थी जिसको लगाओ तो वो ड्राई आउट ना हो आफ्टर 3 to 4 hours, और वो बिल्कुल वैसा ही रहे. सो इसलिए इसमें मोरंगा ऑयल है, सो आपके लिप्स को नरिश रखता है. दैट्स वाई आई थॉट कि लेट्स ट्राई दिस प्रोडक्ट. और इसको मैंने लिटरली 1 बार यूज़ किया है. मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एप्लीकेशन लगा इसका, बहुत ही ग्लिटरी सॉफ्ट था, और मेरे लिप्स ड्राई आउट नहीं हुए आफ्टर 4 to 5 hours रखने के बाद मैंने देखा. मतलब मैंने पूरे दिन इसको अप्लाई किया हुआ था. मैं भी आपको इसका एप्लीकेशन करके दिखा दूँगी. सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड लिपस्टिक एंड दिस इज़ नाइस शेड. बट मैंने कुछ डिफरेंट शेड, मतलब मुझे डार्क रेड वाला शेड चाहिए था, बट दिस इज़ मरूनिश काइंड ऑफ शेड, बट इट्स ओके, इट ऑल्सो गुड कलर. उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, आप देख सकते हैं. प्राइस की मैं बात करूँ तो इट्स नियर अबाउट 400 रुपीज़, एंड दिस इज़ मेड इन इंडिया ब्रांड. सो मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप लिपस्टिक परचेज करना चाहते हैं तो माई ग्लैम की ये लिपस्टिक ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. सो
सो गाइस पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है इसकी, आउटर पैकेजिंग, और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है इसके माउथ के पास, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक बार में लिपस्टिक नहीं निकलती है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट. तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और आप देख सकते हैं कि एक ही बार में इजिली स्मूथली ग्लाइड हो जाता है आपके लिप्स पे, तो आपको दो तीन कोट लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वन कोट ही इनफ होता है. सो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड रखता है आपके लिप्स को और नरिश भी करता है बिकॉज इसमें है मोरंगा ऑयल, एंड क्विकली ड्राई हो जाता है, बट आपके लिप्स पे यू नो शाइन ऐड रहती है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि ये ड्राई ड्राई सा फील नहीं कराता है. और साथ ही ये एकदम स्टेन प्रूफ है, इसके बाद आप कुछ भी खाइए पीजिए ये निकलता नहीं है तुरंत, 5 to 6 hours तक इजिली आपके लिप्स पे ये लॉक रहता है. एंड अगर आपको ऑटोग्राफ भी मिल जाता है, दिस इज़ मेड इन इंडिया ब्रांड प्रोडक्ट एंड माई ग्लैम लिट लिक्विड लिपस्टिक. उसका शेड जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप जरूर चेक कर लीजिएगा. आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर है, और आपका स्किन टोन अगर मेरे जैसा डस्की स्किन के हैं आप, तो ये कलर आपके ऊपर खिलने वाला है. अच्छा, मैंने सोचा था रेड में परचेज करने को, बट ये थोड़े से मैरूनी शेड में है आउटर पैकेजिंग इसकी. इसको अप्लाई करने के बाद मुझे लगता है कि ब्रिक शेड सिमिलर टू ब्रिक शेड है. ओके, बट द नेक्स्ट प्रोडक्ट क्योर विच इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ पेडियोलॉजिक्स का हैंड एंड फूट क्यूटिकल्स, यानी कि मेनिक्योर एंड पेडिक्योर किट है. दिस इज़ बबल गम मेनिक्योर एंड पेडिक्योर यूज़, सिंगल यूज़ दिया है इसके लिए. काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था ये प्रोडक्ट, इसी के साथ साथ O3 ब्रांड का भी था, बट इसका प्राइस और रीजनेबल लगा तो मैंने ये वाला ले लिया. सारा स्टेप बाई स्टेप दिया है प्रोसेस आपको क्या करना है. सो जब भी मैं ये प्रोडक्ट ट्राई करूँगी तो आप सबके साथ ब्लॉग शेयर कर दूँगी. सो वही है, इसमें पेडी क्रिस्टल वॉश है, पेडी वॉश है, पेडी माइक्रो पील है, बबल गम है, पेडी मसाज है और पेडी मास्क है. 6 steps हैं इसमें टोटल, और आपको पूरा फॉलो करना है. दिस इज़ बबल गम मैनीक्योर एंड पेडीक्योर किट, एंड प्राइस एक्चुअली तो मुझे याद नहीं है, बट इस प्रोडक्ट का डिटेल रिव्यू मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि मैं जल्दी इसको यूज़ करने वाली हूँ. So guys, this is all about Nykaa haul. Guys, this is all about my Nykaa haul, and that's it for today's video. I hope you all enjoyed this video. And अगर आपको इनमें से कोई भी product अच्छा लगे तो आप definitely purchase कर सकते हैं. Link in the description box. And इसी के साथ इस video को मैं यहीं end करती हूँ. मिलती हूँ आपसे next video में. Till then, take care and bye bye.